नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अन्ना पशुओं से किसान परेशान, खुले में घूमते अन्ना पशु किसानों की फसलों को कर रहे बर्बाद। किसानों का गुस्सा, दिन रात किसान अपने फसलों को अन्ना पशुओं से बचाने के लिए फसलों की कर रहे हैं रखवाली। नमस्कार, तेजस 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद है जनपद कन्नौज के गुरसागन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव लालपुर सियासर में। यहां पर गांव में जो आवारा अन्ना पशु घूम रहे हैं खेतों में, किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। यहां पर उन ग्रामीणों की नाराजगी काफी जाहिर देखी जा रही है। देखते रहिए जल्दी बल्ली चलो। ये देखो आप खुद तस्वीर में देख सकते हैं, बहुत गैया है यहाँ पे। अन्ना पशु गौशाला की वजह बाहर खेतों की ओर नजर आ रहे हैं झुंड के झुंड, और यहाँ पर लोग मौजूद हैं। उनसे भी पूछेंगे किस तरीके से यहाँ गौशालाएं बनी हैं या नहीं बनी हैं, और आप लोगों की किस तरीके से अन्ना पशु फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर मैं साथ लोग और आगे बढ़ जाओ। उधर भैया क्या नाम है आपका? राम संतोष। अच्छा अच्छा, क्या चल रही है आपके यहाँ गाँव में अन्ना पशुओं की समस्या? यह बहुत लंबी समस्या है, बहुत नुकसान हो रहा है। बोर्ड की कोई कीमत नहीं, गैया कीमत है। गैया अगर रहेंगी तो बोर्ड जब बन जाएगा तो गैयों का क्या होगा? आदमी चलता है। अरे किसान मौत हो जाए, धीरे मौत होना है। किसान मौत भाई तो क्या फायदा है? बदलाव नहीं है, बढ़िया लेना मन होगा। चाय में होए ताप हो जाए, हटाओ कहीं। और गौशाला बनवावा जाए, उनके लिए गौशाला बनवावा जाए। दवे दे दवे, वोट मिले सब कुछ मिले भाई। मैं हटाई जाए। हाँ, लालपुर चादर से बोल रहे होगा, इंतजाम किया जाए। आपके गांव में यहाँ गौशाला नहीं बनी? कोई गौशाला नहीं है, गौशाला कोई गौशाला है। कहाँ आ गई फोटो? एक लाई गई आई भैया, लोगों में गुस्सा दिखाई दिया कि गौशाला नहीं बनी है और अन्ना पशु खेतों में फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि अगर हम लोगों की फसलों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कड़े कदम ना उठाए गए और अन्ना पशु गौशालाओं में ना बंद किए गए तो हम लोग एक दिन धरना प्रदर्शन के लिए बात होंगे। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज।